आंदोलन में फूट की खबरों के बीच आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर ही 40 किसान संगठनों की बड़ी बैठक है। किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में है और वही कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं और रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए भी आज किसान संगठन अहम बैठक कर रहे हैं। पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद के कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है। एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा और इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 32 में से 20 या 22 करीब आधे संगठन वापसी चाहते हैं और जबकि करीब 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने में लगे हुए हैं। हालांकि पंजाब के जोगिंदर सिंह उग्राहा और सरवन सिंह पंडेर, हरियाणा के ही गुरनाम चटूनी जैसे ही बड़े किसान नेता धरना जारी रखने के पक्ष में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इनके संगठन के किसान बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए एक बार फिर से पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। एक तरफ जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने को कहा है, वहीं राज्य की सरकारें भी हरकत में आ गई हैं और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरती जा रही है। इसी क्रम में कल महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें देश के कोरोना वायरस से जुड़े हालातों पर चर्चा की गई और अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की भी बात कही गई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में फिलहाल में से 6 में से ऐसे यात्री हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अन्य हाई रिस्क वाले देशों से राज्य में आए हैं और जांच में संक्रमित भी पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन सभी लोगों के सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया है। विभाग ने बताया कि इसके अलावा उन व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की भी पूछताछ चल रही है और जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार डीसीपी इमिग्रेशन और FRRO अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले सभी यात्रियों के पिछले 15 दिनों के यात्रा किए गए देशों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा फिर उस जानकारी को क्रॉस चेक भी किया जाएगा और इस दौरान अगर कोई यात्री गलत जानकारी देता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी यात्री उस टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो यात्री को अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सभी परीक्षण नकारात्मक आने की स्थिति में यात्रियों को 7 दिन की होम क्वारंटाइन से गुजरना भी पड़ेगा।